होमोसेक्सुअल ओसीडी के चार कारण समझ लीजिए आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चार कारण को समझेंगे कि इन चार कारण की वजह से होमोसेक्सुअल ओसीडी हो सकती है। तो इन चार कारण के अंदर कौन कौन से वह कारण है, चलिए समझ लेते हैं। होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंदर बहुत सारे केस हिस्ट्री में जो मैंने पाया है अभी तक, उसके अंतर्गत यही बात निकल करके सामने आती है कि बचपन में अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत एक्टिविटी कर ली है तो उसकी वजह से आपको होमोसेक्सुअल ओसीडी हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 85% केस में ऐसे ही पाया जाता है कि उनके साथ बचपन में कोई घटना घटी होती है, बचपन में किसी तरीके का कोई गलत अट्रैक्शन उनके साथ किया जाता है, गलत तरीके की एक्टिविटी अगर किसी ने उनके साथ कर ली है तो अब उनको इसमें परेशानी होती रहती है। दूसरा जो इसके अंदर सबसे बड़ा कारण पाया जाता है वह यह है कि बचपन में अगर आपको किसी ऐसे माहौल में रखा गया है कि लड़कियों के साथ ज़्यादा रहना, घूमना फिरना, उन्हीं के टीवी सीरियल देखना, घर पे रहना, बाहर नहीं जाना, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो होमोसेक्सुअल ओसीडी आपके अंदर जन्म ले सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण इसके अंतर्गत निकल करके आता है कि आपके घर परिवार का माहौल ऐसा है कि उसमें किसी व्यक्ति के प्रति आपको नेगेटिव किया जा रहा है बचपन से ही। किसी व्यक्ति को बचपन से ही जो ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हो, उस व्यक्ति के प्रति आपके घर पे द्वेष की भावना रखी जाती है, उसे हीन भावना से देखा जा रहा है, उसके प्रति नेगेटिव बोला जाता है और वही चीज़ आपने बचपन से अब तक देखी है, तो फिर वह आपके दिमाग में घर कर जाती है और उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका यह कारण भी हो सकता है, यह भी हमने समझ लिया। अब हम चौथा और लास्ट कारण इसके अंतर्गत समझते हैं कि अगर आपने बचपन से अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को दबाया है, किसी डर की वजह से समाज की जो गलत रूपरेखा है उसको देखते हुए आपने अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को दबाया है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने दिया है, तो उस वजह से यह प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। फिर क्या होगा कि यह प्रॉब्लम बढ़ेगी और बढ़ने के बाद में जिस दिन यह फूटेगी, वो तो फूट करके जब यह बाहर निकलेगी तो आप कोई ना कोई गलत हथकंडा इसके अंदर अपनाओगे। और अधिकतर लोग यही करते हैं, वह बोलते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड के इधर टच कर दिया, उधर टच कर दिया, मैंने ये मूवी देख लिया, मैंने वो मूवी देख लिया, मैंने ये कर दिया, मेरे को फील आ गया, मैंने उसको ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैंने ऐप के थ्रू जाकर ये कर दिया, मैंने ऐप पे अकाउंट बना लिया, अब मैं लड़कों से बात करता हूँ, ये हो गया, वो हो गया, ये सब होता है उसके अंतर्गत। तो अगर आपने लंबे टाइम तक अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को दबा करके रखा है तो यह सब चीजें होगी। और इसके अंदर एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं मैं, आज के टाइम में अधिकतर लोगों के लिए होमोसेक्सुअल ओसीडी बनने का कारण है कि वह मोबाइल में गलत तरीके से जिन चीजों को सर्च करते हैं, क्योंकि शुरुआत में इसका एक अंश होता है, उस अंश को पकड़ करके अगर आपने गलत तरीके से इसके अंदर सर्च करना शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर आपको इसके अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। आप इसके अंदर बहते चले जाते हो और एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो कि वह होमोसेक्सुअल ओसीडी की अंतर्गत आप कूद गए। अब वहां से आपको होमोसेक्सुअल ओसीडी हो गई, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका माइंड उसी लेवल पे सोचना शुरू कर देता है, वही चीजें समझता है, वही चीजें करता है और आप भी वैसा वैसा करते जाते हो। होमोसेक्सुअल एक्टिविटी के अंतर्गत आप उतर जाते हो, अपनी चाल ढाल को देखते हो, कहीं मैं लड़के जैसा तो नहीं हूँ, लड़की के प्रति मुझे अट्रैक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सेल्फ डाउट आपके इसके अंतर्गत फिर चलने लग जाते हैं। तो यह सेल्फ डाउट आपके मिलजुल कर चलने लगते हैं और यह सब चीजें मिल करके आपकी होमोसेक्सुअल ओसीडी को बढ़ाती है। आज के इस वीडियो में मैंने अच्छे से इन बातों को बताया है, यदि आप समझ लेते हो तो आप अपनी होमोसेक्सुअल ओसीडी की जड़ तक पहुंच जाते हो और आपको इससे बाहर निकलना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।